हम तो लेबर हैं ना बाबा बुलाया जाता है ये करो करके दिखाते हैं नहीं नहीं फिर से करो अच्छा नहीं हुआ फिर से करके दिखाते हैं एक अभिनेता की असली कमाई जनता के दिलों में तक पहुंचना ही उसकी असली पूंजी है तो मेरे स्ट्रगल के किस्से आप जान जाओगे पढ़ लोगे मेरी पत्नी के स्ट्रगल के किस्से किसी को नहीं मालूम है और के कर बे तो हाथ दादा हम ही कोरबे साड़ी पहनाओ तो साड़ी पहन ली और कर ली नहीं मैं हाथ जोड़ लूंगा हाथ जोड़ लेंगे शेर के सामने क्या रही जो रिएक्ट करना है वो उनको करना है नमस्ते मैं हूँ पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार है जो कि सिर्फ शेरदेली नहीं है लेकिन जब बॉलीवुड में टैलेंट की बात होती है टैलेंटेड एक्टर्स की बात होती है तो इनका नाम सबसे ऊपर आता है पंकज जी वेलकम टू बॉलीवुड नाउ आपका स्वागत है थैंक यू थैंक यू मेरे भाई मजा आ गया प्रमो देख करके सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लोगों को ये फिल्म क्यों देखने चाहिए क्योंकि इसमें मैं हूँ और ये इसमें जंगल है इसमें शिकारी है इसमें जंगल और जानवर और हमारे जीवन से जुड़ी बातें हैं जी और कि हमको और पर्यावरण को कैसे साथ रहने की जी क्यों जरूरी है और उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं और बाकी एक इंटरटेनिंग फिल्म है जी शेरदिल ट्रेलर प्रोमो से आर्ट हाउस नहीं है जी आ, ये फिल्म जो है सटायर और ह्यूमर पर्याप्त मात्रा में है उतना जिसकी वजह से न सब्जेक्ट डाइल्यूट हो तो हम एक ह्यूमर और इंटरटेनमेंट के कैप्सूल के भीतर मैसेज दे रहे हैं तो वो ऊपर नहीं है मैसेज ऊपर इंटरटेनमेंट है जब फिल्म रियल लाइफ पर बेस्ड होती है तो आपको लगता है कि आपकी जो आ, ट्रू स्टोरी है जो फिल्म जो है ट्रू स्टोरीज पर बेस्ड है तो ज़्यादा प्रेशर होता है फिल्म को लेकर के आपको लगता है वैसे नहीं नहीं मैं प्रेशर नहीं लेता मेरा काम सिर्फ अभिनय करना है राइटर का काम है लिखना निर्देशक का काम है डायरेक्ट करना और मैं हर डिपार्टमेंट का काम उन्हीं को पे छोड़ देता हूँ मैं मेरा अभिनय करना काम है मैंने ईमानदारी से इसमें भी अन्य भी फिल्मों में जी मैं वो सिंसेरिटी से अपना काम करके आ जाता हूँ बाकी मैं नहीं सोचता जंगल में शूट करना ऐसी ऐसी जगह पर शूट किया हुआ है किस तरह का एक्सपीरियंस रहा था काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा आपके लिए वो काफ़ी डिफिकल्ट सुबह पाँच बजे हम लोग उठ के जंगल में जाते थे सन लाइट के अकॉर्डिंग हम शूट करते थे पूरी शूटिंग हमारी सनलाइट सबसे इम्पॉर्टेंट था जी और दिन भर जंगल में रहते थे वैनिटी वैन भी नहीं वैनिटी वैन रोड पर कहीं चार किलोमीटर दूर है हम उधर ही सो जाते थे लीच पकड़ते थे मुझे याद है मैंने काफी खून भी बहाया है इस फिल्म में जी। वो लीच पकड़ते हैं तो दस मिनट बाद पता चलता है जी। तो नमक लाओ सैनिटाइजर लाओ निकालो तो चैलेंजिंग था बीच में एक दिन हाथी का अफवाह हुआ <laughs> बट लकीली हमारे सेट तरफ नहीं आई पीछे से एक मूवमेंट हुआ था हाथियों का एक ग्रुप गया था तो अच्छा था मुझे बहुत पसंद है वो जगह मैं दोबारा जाऊँगा शेर दिल आपके हिसाब से कौन होता है कौन है वो इंसान जिसे हम शेर दिल कह सकते हैं जिसका दिल बड़ा हो और जो पेट भर जाने के बाद शिकार ना करे आपकी पत्नी भी इस फिल्म में डेब्यू कर रहे है। तो ये किस तरह से हुआ कि आपकी पत्नी ओ, को मुझे लेकर के परसों याद आया कुछ नहीं एक एक शॉट है उनका वो डायरेक्टर सिजीत मुखर्जी और वो एक मोहल्ले में रहे हैं बचपन में तो वो सिद्जीत दा और एक कुरबे तो हाँ दादा आम ही कौरबे साड़ी पहनाओ तो साड़ी पहन ली और कर ली एक छोटा सा पार्ट है एक शॉट है शेर के साथ में अगर आपका रियल लाइफ में मुकाबला हो गया तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे कुछ नहीं मैं हाथ जोड़ लूंगा हाथ जोड़ लेंगे शेर के सामने क्या रही? जो रिएक्ट करना है वो उनको करना है हम तो साइलेंस हो जाएंगे चुप हो जाएंगे जी शेर अद्भुत जानवर है उन उस पर ना एक लेख है स्ट्राइप मॉन्क जी वो धारीदार साधु है वो बेवजह किसी पे हमला नहीं करते हैं जी। तो कोई भी पशु कोई भी पशु जब तक वो डरेंगे नहीं उनको कुछ नहीं महसूस होगा सामने वाले से तब तक अटैक नहीं करते हैं जी बट येस yes, हमें सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि वाइल्ड हैं तो उनको प्रडिक्ट नहीं कर सकते हमारे पास दिमाग है हम सोच सकते हैं तो हम सावधानी बरत लें तो so, जंगल में उस वक्त शेर दिखे आपको पंकज <laughs> जी ऐसे जो ये जो फिल्म है कि एक इंसान जो सुसाइड करता है कुछ पैसों के लिए और देश भर में भी कहीं गांवों में ऐसी चीज़ें हुई है आपको लगता है कि अभी भी हो रही है ये चीज़ें गाँव में देश भर में इसे सुधार लाना चाहिए आ, इस तरह से चीज़ें चल ये रही कॉन्फ्लिक्ट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो हर लगभग हर जंगल के आसपास है जी। जंगल जानवर के बीच का द्वंद लड़ाई एंड ऑफ कोर्स इसमें सरकारी सिस्टम लगा हुआ है ये स्कीम इसी है कि, कि किसी जानवर ने अगर रिजर्व एरिया में किसी को मार दिया तब पैसे मिलते हैं बाहर नहीं रिजर्व एरिया में नहीं बाहर बफर जोन या जहाँ फार्म है कि जंगल के बाहर जो खेतों में किसी को मार दे तब मिलता है मुआवजा तो सरकारें सिस्टम पर्यावरण विद जो नेचर के लोग संस्थाएं हैं वो तो लगातार काम कर रही हैं कि एक को एग्जिस्टेंस का माहौल बने हम साथ में रहना सीखें क्योंकि हमारे लिए जरूरी है जंगल नेचर का थोड़ा करवट बदलता है तो दो साल के लिए लॉकडाउन लग जाती है तो ये सीखना हमें जानना जरूरी है विद्या बालन की भी एक फिल्म आई थी शेरनी उससे क्या ये फिल्म मिलती जुलती है कुछ ऐसी आपको लगता है जो शेर की धार है नहीं नहीं उसकी दोनों दो दोनों का सिर्फ सेम है कि जंगल की कहानी है और ये दोनों का कंटेंट कहानी पोल अपार्ट है पंकज जी बात करें तो आपके लिए भी काफी शॉकिंग रहा कि के सिंगर केके ने भी गाना गाया हुआ है फिल्म में और ये क्या हम कह सकते हैं कि ये तकदीर की बात है कि आप उनको मिल नहीं सके जा करके जी 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 बिल्कुल किस तरह से ये चीज़ें मुझे तस्वीर मैंने देखी थी तो मेरा मन हुआ था कि मैं जब ट्रायल पे के के सर आएंगे तो मिलूँगा बट जीवन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और मेरी श्रद्धांजलि है उन्हें हम कलाकार लोग कई बार अपने लिमिट से बाहर जाके परफॉर्म करते हैं काम करते हैं सेम साथ, साथ सेहत का और थोड़ी ख्याल रखना चाहिए बट फिर भी वो दुखद था मेरी श्रद्धांजलि है उनकी आवाज़ रहेगी सदियों तक रहेगी कलाकार के साथ यही है कि वो रहे ना रहे उसकी किया हुआ काम जनरेशन देखती हैं इतनी ऑनेस्टी के साथ आप किरदार किस कैसे निभा लेते हो हमेशा आपको देखते हैं क्योंकि ऑनेस्ट आदमी हूँ ऑनेस्ट <laughs> आदमी हूँ कोई झाल जी। जीवन में नहीं है जी। तो वो मैं किरदारों के साथ भी वही इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं जिस दिन आदमी ऑनेस्ट नहीं रहूंगा मैं ऑनेस्टी वाली परफॉर्मेंस नहीं दे सकता हूँ अपनी बात कर रहा हूँ जी तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वही है और कंपटीशन को आप किस तरह से देखते हो जो आपके आ, आ, साथ जो कलाकार है उनको आप किस तरह से देखते हो कभी आप देखते हो कंपटीशन है, है? Competition है competition आपको जिस तरह से नहीं, आप भी आए कंपटीशन को राइटरेस भी बोलते हैं ना जी जी <laughs> so, राइट्रेस का विनर भी राइट ही होता है <laughs> कहाँ <laughs> कोई कॉम्पिटिशन नहीं है हमारी कॉम्पिटिशन स्वयं से होनी चाहिए या होती है कि हम अपने आप को कैसे बेहतर करें इंसान भी और कलाकार भी बाकी कोई प्रतियोगिता नहीं है मुझे वो मैं उस पर पढ़ता ही नहीं हूँ आइफा के मंच पर जिस तरह से आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिला लोगों से इतना प्यार मिला एक इमोशनल चीज़ आपके लिए काफ़ी इमोशनल रहा वो हाँ हाँ वो मेरे स्मृतियों में रहेगा थैंक यू सो मच <laughs> उन सबों का जिन्होंने बेसर्द प्रेम दिया टिकट और सब्सक्रिप्शन तो पहले ले लिए होंगे वो सरप्लस है और वही असली कमाई है एक अभिनेता की असली कमाई जनता के दिलों में तक पहुँचना ही उसकी असली पूंजी है और वो वो उसका वो ऋण है हमारे ऊपर उसको हम पता नहीं कैसे चुकता करेंगे शायद कामों के थ्रू सिनेमा के थ्रू पंकज जी आप एक छोटे शहर से आए हो और जिस तरह से आपने मकाम बनाया है इतना बड़ा मकाम इतनी चीज़ों को हासिल करना बॉली बॉलीवुड में कितना डिफ़िकल्ट रहा आपके लिए स्टार्टिंग में उन दिनों बहुत मुश्किल ऑफकोर्स मुश्किल रहा होगा आसान तो नहीं होगा कोई भी यात्रा आसान नहीं होती है कुछ भी किसी भी फील्ड में आसान नहीं होता है चूँकि सिनेमा में दिखता है जी तो मेरे स्ट्रगल के किस्से आप जान जाओगे पढ़ लोगे मेरी पत्नी के स्ट्रगल के किस्से किसी को नहीं मालूम है जी वो टीचिंग में थी तो हर फील्ड में संघर्ष है और उसमें कोई बात नहीं है संघर्ष नहीं है वो प्रिपरेशन है तैयारी है जीवन यही है देखो आंखों में कैसा दिख रहा है अनुभव <laughs> पोस्टर पे देखो जी बिल्कुल तो वो लुक ब्लैंक नहीं है नहीं नहीं बिल्कुल वो तो है ही जो पोस्टर है फिल्म का वो तो एकदम ज़बरदस्त है और आपका जो लुक है

आप काम करना चाहेंगे जिन जो एक्टर आपको पसंद है कि आप कहेंगे कि नहीं मुझे इस एक्टर का काम करना है पंकज पस... तो है ही जो सबको पसंद, पसंद है पसंद वाले का नाम बता दूंगा तो हो सकता है दूसरे को बुरा लग जाए मैं किसी को बुरा आहत करना नहीं चाहता हूँ मुझे सब पसंद है मेरे सारे को एक्टर मुझे पसंद हैं और अभिनय जो है वो गिव एंड टेक है एक खेल है जो दो चार कलाकार खेलते हैं कोई किसी को पछाड़ता नहीं है पंकज जी फिल्म 83 की बात करें कि जिस तरह से इतनी बेहतरीन फिल्म बनी लोग इतना पसंद आया मैंने भी जब थिएटर में देखा तो मज़ा आ गया फिल्म देख कर के लेकिन लोग जो है ज़्यादातर पुष्पा देखने गए ऐसा लग रहा है कि साउथ की फिल्म में ज़्यादा लोग अब प्रेफर कर रहे, है। लग रहे हैं लग रहा है आपको वैसे नहीं मैं मैं व्यवसायिक पक्ष को नहीं समझता हूँ बिजनेस साइड को मुझे नहीं अनुमान है ना पता है और नहीं मैं समझना चाहता हूँ तो इस उत्तर इस प्रश्न के लिए मैं करेक्ट व्यक्ति नहीं हूँ जी ऑडियंस भी मताता की तरह होती है रैली में सबके जाएगी वोट किसको देना है वो नहीं पता है ओ माई गॉड का सिक्वल भी आ रहा है आप अक्षय कुमार के साथ भी काम कर रहे हो और भी आपके दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानना चाहेंगे शेर दिल है 24 जून को शेर दिल की चौबीस <laughs> <laughs> जून को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जी ओ माई गॉड है गुलकंदा टेल्स है फुकरे थ्री है जी और एक नई फिल्म है जिसका नाम पता नहीं अभी तो तीन चार आ रहा है इसके बाद छुट्टी लूंगा गैप लूंगा दो चार महीने दो महीने एटलीस्ट फिर नया कुछ करूंगा हम तो लेबर हैं ना बाबा अभी में एक तो कॉन्ट्री मतलब लेबर भी है ना जी बुलाया जाता है ये करो करके दिखाते हैं हम नहीं नहीं फिर से करो अच्छा नहीं हुआ फिर से करके दिखाते हैं जी तो रोजी रोटी दाल रोटी चल जाए बहुत है जी नहीं नहीं पंकज जी आपको जितना जितना प्यार करते हैं दर्शक इतना प्यार देते हैं और हम यही उम्मीद नहीं करेंगे हमें पूरा यकीन है कि दर्शक जिस तरह से आपको प्यार अब दे रहे वो हमेशा देते रहे थैंक यू शुक्रगुजार बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए बॉलीवुड नाउ से Thank बात लिए थैंक यू दोस्त आपको भी शुभकामनाएं थैंक यू पंकज को तो धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद